आप सबका स्वागत है हमारे चैनल हिट फिट हेलाउथ में। आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो हम लोग ग्राउंड में घूम रहे हैं अपने बच्चे के साथ। आप लोग भी आई होप एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना मैं जस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आज बात करूंगी, वो है जो अभी शिमला में और मसूरी में जो अभी क्राउड देख रहे हैं ना हम लोग, कि लोग ऐसे निकल रहे हैं घर से बाहर जैसे वो जेल से निकले हों। भाई डेढ़ साल से हम कोविड के क्राइसिस को झेल रहे हैं, सभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं नो डाउट, सबका घूमने का मन करता है, लेकिन कुछ तो आप प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए, कुछ तो प्रोटोकॉल्स मानिए सरकार के। आप गवर्नमेंट की बातें मान नहीं रहे, उसके बाद जब थर्ड वेव आ जाएगी तब आप सिर्फ गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे। अपने अंदर आप ये कमी नहीं मानते कि आप मास्क नहीं यूज़ कर रहे हैं, इतने क्राउड में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मैं भी देखिए बाहर गई थी लास्ट वीक, लेकिन मास्क यूज़ करके, और जहाँ पे कम क्राउड है ऐसे वेकेशंस पे कोई नहीं निकल रहा है। वो आप लोगों की चॉइस है कि आप जाना चाहते जाइए, लेकिन आगे जाके जिस तरह का क्राउड मैं देखने को हमें मिल रहा है ना, उसकी वजह से इतना ही क्राउड हमें देखने को मिलेगा हॉस्पिटल्स के बाहर, क्योंकि हॉस्पिटल में फिर बेड नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन की फिर से कमी होगी। पहले हम सेकेंड वेव का हाल देख चुके हैं हमारे देश में, थर्ड वेव में आप कैसे सोच सकते हैं कि आप वो हालात चेंज हो जाएंगे। एकदम से कुछ चेंज नहीं होने वाला है, आपको खुद चेंज लाना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल में, अपनी हैबिट्स में। और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि कुछ जो लोग भाग रहे हैं उस तरफ, जा रहे हैं शिमला की तरफ, बेटर आप घर पे अपनी सिटी में हैंग आउट कर लीजिए। कितनी सारी स्पॉट है, अपने रिलेटिव से मिल लीजिए। पहले कैसी सिचुएशन थी कि हम लोग अपने रिलेटिव से भी नहीं मिल रहे थे, तो बेटर अपनी फैमिली वालों को टाइम दीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, ना कि शिमला की तरफ। जो अभी सिचुएशन चल रही है ना, उसके बाद मैं फिर से जिक्र करूंगी, मुझे बार बार हंसी आती है जब भी मैं बात करती कुणाल कामरा, तो आजकल मैंने माइंड में रहते, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश को बदनाम कर रहे थे। आप वीडियोस बनाते स्टैंड अप कॉमेडियन कहते, इस टॉपिक पे वीडियो क्यों नहीं बनाते कि जिस तरह से इंडिया का क्राउड पब्लिक पागल हो चुकी है, आई थिंक सठिया आ गई है, टोटली भाग जाती है। ये नहीं देख रहे कि आप थर्ड वेव को खुद न्योता दे रहे हैं। कोरोना कोई बिन बुलाए मेहमान नहीं, उसको आप खुद मेहमान को अपने को इन्वाइट कर रहे हो कि हम तो ना तो हम जी मास्क लगाएंगे और ना हम वो दो गज की दूरी को अपनाएंगे। एक ही कैंपटी फॉल में देखिए, कैंपटी फॉल की वीडियो तो इतनी ज़्यादा वायरल हुई, और आज सही करा गवर्नमेंट ने, बहुत ठीक कर दिया ऐसे बेवकूफ़ लोगों के साथ, मैं टोटली उन्हें मूर्ख कहूँगी। एक साथ इतने इतने बंदे वाटरफॉल में नहा रहे हैं, आपको क्या पता। आप देखिए मसूरी में क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनाई है, अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो आपके पास आपकी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट का कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज आप एंट्री नहीं कर पाओगे मसूरी में। और कैंपटी फॉल में एक टाइम पर सिर्फ 50% ही जा सकते हैं। जिस तरह एक दो दिन पहले इंस्टाग्राम पर हर जगह वायरल हो रही थी ना वीडियो, जिसमें 200-200, 300-300 का क्राउड एक बार नहा रहा था, तो वो खुलेआम आप इन्वाइट कर रहे हो कि आ बैल मुझे मार, यही कहावत मुझे याद आ रही है, आ बैल मुझे मार। आप बैल को बुला रहे हो और खुद सिंह मरवाने की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा भी ये माइंड में नहीं सोच रहे इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो देखिए डेल्टा वेरिएंट और लैम्डा वेरिएंट, कितने सारे वेरिएंट आ रहे हैं अभी, तो मैं सुन रही थी एक दो बार दिन से दूसरा भी कोई वायरस आएगा, तो आप कब तक बचोगे। देखिए लैम्डा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट, और अभी आ रहा है न्यू कापा। आप ये देखिए, हमें ना नेचर सिखा रही, ऊपर से ना जो केमिस्ट्री से दूर भाग रहे थे ना, आपको सारी चीज़ें वापस याद आएंगी, हम क्या क्या पढ़ा करते हैं, डेल्टा बीटा गामा सब कुछ आने वाला है, तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर ही। और मैं खुद उन लोगों को बेवकूफ़ कहूँगी जो अभी वेकेशन ऐसे मना रहे हैं जैसे तो ना कोविड फ्री कभी इंडिया में कोरोना आया ही नहीं, कोरोना की थर्ड वेव आ गई, जितनी कम फ्रैक्शन के सेकेंड पे फैलेगा ना उससे कितनी ज़्यादा मौत होंगी। और आज 1200 मौत हुई हैं एक दिन के अंदर, फिर से देखिए कुछ दिन से कोरोना में गिरावट आई थी केसेस में, लेकिन जब से ये शिमला और मसूरी ओपन हुए हैं तो लोग जिस तरह से भीड़ मचा के घूम रहे हैं, भाग रहे हैं ना उस तरफ, ये हमें बहुत भारी पड़ने वाला है। बेटर है, चलो मैं तो गुजरात के लोग इस चीज़ में स्मार्ट हैं, अभी भी मैं बाहर जाती हूँ उतनी ही प्रिकॉशन फॉलो करते हैं, उतनी ही कम से कम भीड़, अगर रेस्टोरेंट में जा रहे होते तो अभी भी हाफ क्वांटिटी में चीज़ें ओपन हो रही हैं। तो ये स्टुपिडिटी है, निहायती बेवकूफ़ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि ना हम कोविड फ्री हो चुके हैं। भाई ये अब्रॉड नहीं है, इंडिया है, इंडिया वैसे इन चीज़ों में भी पीछे है, तो आप लोग तो सपोर्ट कीजिए। और सारी चीज़ ना ये कहते हैं ना, अपने पापों का ठेकरा आप एक ही सरकार के सर पे फोड़ दोगे, ये चीज़ गलत है। आप उस सरकार वैक्सीनेशन करा रही है, फ्री में टीके बांट रही है, उसके कोई गुण नहीं गाएगा। देखिए ना, तो मैं ये भी नहीं कि मैं पूरी गवर्नमेंट की प्रेज कर रही, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं मैं उसके बारे में तो आप याद दिला रही कि ये चीज़ तो गवर्नमेंट ठीक कर रही है, यहाँ पे तो हम लोग पब्लिक गलत कर रहे हैं ना। तो आप लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, ये सोचिए कि ये हमारे ऊपर कितना भारी पड़ने वाला। अगर आप जागरूक नहीं हुए ना, दिन ब दिन फिर से अगले महीने देखिए आनी थी अक्टूबर में,
हम कब से सुन रहे थे कि अक्टूबर में आएगी थर्ड वेव, लेकिन अभी अगस्त में आने के चांसेस बढ़ रहे हैं जिस तरह से ये, और फिर से देखिए फिर से बंद होएगा ये, जितने भी पहाड़ों की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हैं और घूमने के जितने भी हिल स्टेशन ओपन है वो फिर से बंद होंगे, और उसके बाद तो आम जनता बिल्कुल बिल्कुल घर में कैद हो जाएगी। आपको थोड़ी छूट मिली थी तो थोड़ी सी छूट को नॉर्मली आप फॉलो कीजिए, उसको नॉर्मली आप घूमिए, लेकिन ये मजाक मत बनाइए कि गवर्नमेंट के आप सिर के ऊपर से खेल के जा रहे हैं, और अपनी सिर्फ अपनी लाइवलीहुड नहीं, आप इंजॉयमेंट के लिए, लाइवलीहुड के लिए तो देखो रोजी रोटी है, उसके लिए तो कोई मजबूरी में कमा रहे हैं, मजदूर लोग हैं वो अपनी मजदूरी के लिए बाहर हैं, लेकिन आप लोग तो घर पे रह सकते हो, लेकिन आपको तो अभी ना दिमाग में फ़र्क हो गया ना, मैं कह रही हूँ कीड़े हो गए यहाँ पे जो आप निकल रहे हो बेवकूफ़ों की तरह। वो कुणाल कामरा पे तो मुझे इतने थे जो उसके कुछ चमचे मेरे पोस्ट पे कमेंट कर रहे थे ना क्रिटिक्स, तो मैं तो हंसती हूँ, अच्छी बात है, देखिए मैं कुछ अच्छा बोल रही, कुछ अच्छा बोलने वाले की बुराई ज़रूर होती है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जैसे बोल रही मैं ऐसे ही रहूँगी, मैं नहीं बदलने वाली, बेटर है। लेकिन कुणाल कामरा जी अब कहाँ छुपे हैं, और आपके चमचे जितनी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, स्टैंड अप कॉमेडियन बन रहे हो, जो कॉमेडी तो आती नहीं है लेकिन सिर्फ बकवास आती, गवर्नमेंट के बारे में नेगेटिव बोलना, पब्लिक के बारे में नेगेटिव बोलना, इंटेलेक्चुअल लेवल ना इस चीज़ से हाईलाइट नहीं होता कि आप कुछ भी है। और सबको पता है अगर आपको लाइमलाइट में आना है ना तो कुछ ऐसा टॉपिक पकड़ लेते हैं लोग कि जिससे वो जल्दी हाईलाइट हो जाए। आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलोगे तो भाई पता है अभी बीजेपी की सरकार, बीजेपी के खिलाफ बोलोगे तो नो डाउट आपकी तो वाहवाही होएगी, तो बेटर है अगर आप पे टैलेंट है ना तो न्यूट्रल होके, जैसे मेरे ना तो मैं कांग्रेस की एक जय जयकार करती ना बीजेपी की, मैं न्यूट्रल बंदी हूँ, मैं सिर्फ ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि हमारी सोसाइटी में आजकल हो क्या रहा है, गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड कर रही है और क्या हम उसको कैसे बर्बाद करके नुकसान कर रहे हैं। इस चीज़ में सिर्फ आप ही का नुकसान है, अपनी हेल्थ के लिए ना आप जैसे इवनिंग में, मैं जहाँ रहती हूँ देखिए सोसाइटी में इवनिंग में शाम को अपने बच्चों को घुमाइए, ये होता है घूमना फिरना, वीकेंड्स पे जाइए तो मैं भी खाती हूँ बाहर के स्नैक्स, लेकिन एक लिमिट में, ये नहीं कि रेगुलर रोज़ बर्गर मैं नहीं खाती, अपने घर में बनाओ शुद्ध खाओ, और इम्यूनिटी को भी आपको जैसे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करो ना उसको छोड़िए मत, वरना आगे जाके आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे। इसके अलावा मैं जीका वायरस के बारे में बात करूँगी, केरला में भी जीका वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लोगों को पता, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जीका वायरस मॉस्किटो बाइट से होता है। तो आप लोग देखिए मॉनसून भी आने वाला है, मॉनसून में मॉस्किटो ज़्यादा होते हैं, तो देखिए मैं ऑलमोस्ट मेरे कपड़े में जो क्वार्टर स्लीव ज़्यादा पसंद है, मैं क्वार्टर स्लीव तो पहनती हूँ और आगे जाके मुझे लगा तो मैं फुल स्लीव भी पहनती हूँ, लेकिन मोस्टली मेरे आउटफिट होते हैं जो क्वार्टर स्लीव होते हैं, क्योंकि देखिए एक तो हमें टैनिंग से बचाते हैं, ऊपर से मॉस्किटो बाइट से भी हमें बहुत बेनिफिट होता है कि हमें मॉस्किटो बाइट नहीं कर पाती। तो मैं आपसे ये भी अपील करूँगी, हम लोग तो बड़े, हम लोग चीज़ें हैंडल कर लेंगे, फीवर भी हैंडल कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं उन्हें प्लीज़ फुल स्लीव्स के कपड़े कॉटन के, क्योंकि गर्मी है पूरे नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप पतले कॉटन के कपड़े पहनाएं अपने बच्चों को इवनिंग में तब बाहर लेके आएँ। और इसके अलावा हम बातें कर रहे थे कि दिल्ली में भी आज 2 रुपये रेट बढ़ गया है, 2019 में लास्ट टाइम दिल्ली NCR में मदर डेयरी ने 2 रुपये दूध का रेट बढ़ा दिया है, तो इससे भी आम जनता जो मिडिल क्लास है उन पे दबाव पड़ा, उनकी जेब पे बोझ पड़ेगा, पेट्रोल डीजल के भी देखिए दाम बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें तो देखिए मैं कहूँगी नहीं लगती कि देखिए अमीर तो अमीर हो जाता है लेकिन गरीब तो गरीब ही होता जा रहा है, मैं नहीं मानती वो आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी होगी, ऊपर से देखिए रोज़गार के ऑप्शन कम हो चुके हैं कोरोना जब से 1.5 साल से, जो प्राइवेट नौकरी वाले थे आधों की नौकरी कम हो गई, और वर्क फ्रॉम होम जिनका चल रहा है उन्हें हाफ सैलरी पे काम करना पड़ रहा है, तो ये एक मुश्किल दौर है। और जब तभी मुझे फील हुआ कि देखिए ऐसे मुश्किल दौर में जो लोग इन्जॉय कर रहे हैं और जो हम जैसी आम जनता घर पे बैठ के ये चीज़ें देख रही होती है ना, तब हमें लगता है कि यार ये भारत की जनता सही में ना उनको तो थोड़ी सी छूट मिलती है, ऐसे मेंढक की तरह बाहर उछल रहे होते हैं जैसे तालाब से बाहर निकल के आएंगे, और अभी सारी चीज़ें ना अभी उन्हें करनी है, अभी सारी शादियां अभी होनी है, सब कुछ अभी होना है, आप थोड़ा सा पोस्टपोन करके थोड़ा सिचुएशन। मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आ रही है कुछ लास्ट मंथ या लास्ट से लास्ट मंथ हमने ये बात सुनी थी कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कितने ज़्यादा पेरेंट्स शाउट कर रहे थे, बच्चे ऐसे जोर लगा रहे थे अगर हमने एग्ज़ाम दे दिया तो हम जिंदा ही नहीं बचेंगे, अब देखिए वही बच्चे और उनकी फैमिली सबसे आगे मसूरी में और शिमला में ऐसे इन्जॉय कर रहे हैं जैसे ना इसके बाद तो लाइफ बचेगी नहीं, अभी घूम लो उसके बाद हम कभी घूम नहीं पाएंगे। अरे थोड़ा वायरस को कम होने दो, आम जनता को भी सर्वाइव करने दो, कुछ लोगों की वजह से ही ना ये हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसमें ही यही एलिमेंट मैं काउंट करती हूँ, इनको मैं एलिमेंट ही कहती हूँ क्योंकि मैं इन्हें एक मनुष्य की तुलना नहीं कर सकती, मनुष्य में इतना दिमाग दिया है भगवान ने के लिए क्या आपके लिए अच्छा क्या बुरा है, लेकिन ऐसे ही लोग न्योता दे रहे हैं कि थर्ड वेव आओ और हमें वापस से
घर में बंद कराओ, तो बेटर है कि आप ये स्टुपिडिटी को छोड़ के कुछ अच्छे कामों की तरफ योगदान दें। अगर आपको ज़्यादा घूमने का शौक है, वृद्धाश्रम कितने हैं अपनी जनता में, दुनिया में, और ऊपर से सोसाइटी में कितने ज़्यादा ऑर्फेनेज होम है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर अपना पैसा वेस्ट कीजिए, ये तो आप वेस्ट करें मसूरी में। अगर वहाँ पर आप कुछ पुण्य का काम करें, किसी को दो वक्त की रोटी देंगे, उससे आपको दुआ मिलेगी बीमारी में। देखिए पैसा काम नहीं आ रहा, दुआ काम आ रही है, तो मेरी तो पर्सनली यही सोच है। मैं देखो ज़्यादा अपने बारे में प्रेज नहीं, मियाँ मिठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन मेरी क्या हैबिट है, अगर मैं कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती ना, एटलीस्ट जो मुझे रोड पे देखे, मैं ठीक से 30-35 के एज ग्रुप को कभी भी भीख नहीं देती, भीख देना गलत चीज़ है, लेकिन कोई बहुत बुजुर्ग है भाई जो अपाहिज है, अपाहिज चीज़ें गलत नहीं दिख सकती, जो हैंडीकैप है, अगर उसका पैर कटा हुआ है और कुछ प्रॉब्लम है, उसकी हेल्प कीजिए। जितने छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं उन्हें पैसे मत दीजिए, क्योंकि पैसों का तो क्या करेंगे, उनके पेरेंट्स या जो उनसे भीख मंगवाते हैं ना किडनैपर्स, वो उनसे पैसे छीन रहे होते हैं। इससे अच्छा आप उनको खाने के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, पार्ले जी बिस्किट दे दीजिए, कितनी चीज़ें, दूध का पैकेट दे दीजिए, एटलीस्ट वो एक टाइम दो टाइम कुछ तो खाएगा, तो बेटर है। अगर आपको दान पुण्य करना है इस तरह की चीज़ें कीजिए, ना कि मसूरी के होटलों में जाके, और इंस्टाग्राम पे भी ये चीज़ें चल रही होती हैं, बस लोगों को तो रील्स बनाने से मतलब है, रील्स बना के ऐसा लगता है कि इसी से आपकी रोज़गार चलने वाला है, लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहन लेंगी और पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे, कोई कुछ कर रहा है, वाटरफॉल में दिखा रहे हैं। एक तो देखा आपको हादसा होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सेल्फी के चक्कर में, आधी दुनिया, हम कितने ज़्यादा स्पॉट्स होते हैं, किसी कोई नाव में डूब के मर गया, कोई पहाड़ी से गिर गया, तो बेवकूफ़ी है। कुछ भी करो ये सोच के करो कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने वाला है, या इसके लिए आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करके आप ही को नुकसान पहुँचेगा। तो आई थिंक आज काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया, मैंने काफ़ी ज़्यादा, कई लोगों को लगा कि बोर करती है मैडम, तो इसलिए नहीं, ऊपर से जो ये कैमरा फैंस है ना, वो तो फिर प्रहार करेंगे, मैं तो उन्हें आप सीधे ही चैलेंज करूँगी कि जो कुणाल कामरा के लिए बहुत ज़्यादा लड़ने के लिए आ रहे हैं ना मुझसे, भाई साहब अब आप इसके ऊपर आप टिप्पणी दे दीजिए, और एक वीडियो आप बना के दिखाए जो ये मूर्ख है ना। और एक मुझे बड़ा सही लगा था, मैंने भी कल परसों अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते वो भी हंस रहे थे, कईयों के रिप्लाई आए। एक कोई इंस्टाग्राम पे कोई एक्टिव बंदा है, आई थिंक वो भी दिल्ली का, उसने सही डाली थी ना, देखिए ये कुछ जानवर लोग हैं, तो मुझे इतनी हंसी, मैंने कहा सही जानवर कह रहा है बंदा, क्योंकि कईयों को लगेगा कि भाई मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, मैं नेगेटिव नहीं बोल रही, मैं भी सुनी सुनाई बातें कर रही हूँ, और मैंने तो देखा है जिस तरह से इकट्ठे इतने नहा रहे थे ना, जैसे हरियाणा में हमारे कहते हैं ना, जोड़ में इतनी सारी भैंस कट्ठी कूदन लग रही, वो हिसाब हो रहा था, नरे मोटे मोटी लुगाई और लोग नू नाव से जो करना, जोड़ में ही बह गर्मी काट कर जाऊँगी, भाई घर में ठंडा पानी पियो, शिकंजी पियो, तब जाकर स्वाद आओगा, ये चोच लेकर तब फालतू में पहाड़ा पर नानते ना होता, और कितने दिन पहाड़ पर रह लोगे, 10 दिन, 10 दिन पाछा आना तो उल्टा अपने घर है, बेटर है अपने घर रहो। अब मुझे हंसी आ रही है, मैंने हरियाणवी सुना दी बीच में, क्योंकि कई फ्रेंड्स मुझे कह रहे होते हैं मैडम आप हमेशा हिंदी में बात कर रही होती हैं, हरियाणा की तो हरियाणवी तो निकलेगी, बाकी तीज आने वाला अभी से एक्साइटमेंट स्टार्ट हो गया, घेवर की बिक्री स्टार्ट हो गई है, मानसून वैसे दिखा रहे थे कि 10 तारीख से आएगा, लेकिन आज देखिए 10 तारीख हो चुकी, दिल्ली में और हरियाणा में कहीं कोई बूंदाबांदी भी नहीं है, तो ये भगवान के हाथ में होती हैं, हम सिर्फ इसके बारे में एस्टिमेट या हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, मौसम विभाग भी एक्यूरेट अपनी तरफ से देखिए कोशिश करता है। और आज तो ना ये भी न्यूज़ ट्रेंडिंग थी कि श्रीनगर के वेदर के बारे में मौसम विभाग ने गलत न्यूज़ दे रखी है, तो बेटर है। देखिए मैं भी ऑलमोस्ट, मुझे लगता है अगर मुझे कुछ प्लान करना होता है, कहीं बाहर जाना होता है, और जिस टाइम मैं कश्मीर में रहती थी तो मैं ये देखती थी कि अपने फ़ोन में हमेशा चेक करके जाती थी, टेम्परेचर की ऐप डाली है, वेदर की ऐप, और उसमें चेक कीजिए किस दिन बारिश आ रही है, किस दिन ज़्यादा धूप है, उसके अकॉर्डिंग बाहर निकली, क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी में धूप में लू में भी आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो बेटर है अपने बच्चों को अच्छे से टाइम दीजिए, घर का हेल्दी फूड खाइए, सैटरडे संडे बैडमिंटन कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, मैं तो देखिए डेली साइकिलिंग डेली करती हूँ, कि अगर मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता तो मैं इवनिंग या इवन कई बार लेट नाइट ही नॉर्मल से, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे थोड़ा सिक्योर एरिया है, वहाँ पे इतना कोई क्राइम वाली जगह नहीं, ऊपर से गुजरात भी पीसफुल एरिया है, गुजरात में इतने ज़्यादा क्राइम्स की न्यूज़ मैं नहीं सुनती, यूपी बिहार में थोड़ा रहता है, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो भी एक निडर इंसान है, तो मुझे वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छे लगते हैं अपने वर्क की वजह से। देखिए जितने भी ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं जिनके ऊपर कई सारे, उनके खिलाफ भी ये जितने भी यूपी में बदमाशों की एक्टिविटीज़ होती है, तो उस पर अच्छी तरह वो लगाम लगाने के लिए हमेशा अपने यूपी पुलिस की फ़ोर्स को एकदम ना अलर्ट रखते हैं, तो वो चीज़ मुझे योगी आदित्यनाथ की अच्छी लगती है। बाकी तो मैं आपसे अब यही बात करूँगी कि घर पर रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए,
स्वस्थ खाइए और ऑर्गेनिक चीज़ें खाइए, ना कि ना पैक्ड फूड खाइए, बेटर है अपने घर में। देखिए हम तो हरियाणा वाले तो घर में काफ़ी चीज़ उगा रहे होते हैं, घिया त्योरी तो काफ़ी। इसके अलावा आज मैं इम्पोर्टेंट बात करूंगी, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका भी बर्थडे है, सुनील गावस्कर का बर्थडे है, और जिन्होंने वाईफाई इन्वेंट किया था ना टेस्ला, उनका भी आज बर्थडे। तो ये कुछ चुनिंदा अच्छी हस्ती हैं जो हमारे देश के लिए अच्छा योगदान देते हैं, अपने टैलेंट और अपने नॉलेज की बातें शेयर करते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। तो मेरे को लगा कि इस बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आज किन किन के बर्थडे हैं, वेदर कैसा और इंडिया में क्या चल रहा है, कितने तरह के वायरस आ रहे हैं, तो काफ़ी सारी बातें होगी। और आई थिंक आज मेरा ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो आप लोग भी अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। सो गुड इवनिंग एंड गुड बाय।